नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ कृतिका। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की सूचना दे दी है। रेलवे बोर्ड ने पटना समेत मध्य रेल क्षेत्र के 19 जोड़ी ट्रेनों की सूचना पे मंजूरी दे दी है। इन ट्रेनों में 30 दिन पहले तक की बुकिंग की अनुमति है। टिकट में बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर होगी। ऐसे में साफ है कि सभी यात्रियों को ट्रेन में कन्फर्म सीट दी जाएगी। अभी यात्री स्पेशल ट्रेन केवल 7 दिन पहले के टिकट मिल रहे हैं। रेलवे की ओर से साफ किया गया है कि इन ट्रेनों में भी यात्रियों के लिनेन और ब्लैंकेट नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। यात्रियों को स्टेशन पर आने और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग गेट होंगे। कोशिश इस बात की होगी यात्रियों को एक दूसरे से चेहरा तक नहीं मिल पाए। वहीं सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उन्हीं यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश मिलेगा जिनके पास कन्फर्म ही टिकट होगी। रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर अजय प्रताप सिंह ने 20 मई को पत्र के जरिए सूचना दी थी कि देश भर में कुल 100 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होगा, सामान्य ढंग से किया जाएगा इसको। बिहार के स्टेशनों से कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी उसकी लिस्ट। दानापुर से बैंगलोर संघमित्रा एक्सप्रेस, शालीमार से पटना दुरंतो एक्सप्रेस, अहमदाबाद से दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, सूरत से छपरा तप्ती गंगा एक्सप्रेस, पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा से पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना से रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, दरभंगा से नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति, अहमदाबाद से पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस, नई दिल्ली से राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस, दानापुर से सिकंदराबाद एक्सप्रेस, टाटा नगर से दानापुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तप्ती एक्सप्रेस, रक्सौल से आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज वन इलेवन के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।